कांग्रेस सरकार कोरोना महामारी में हर एक इंसान की जान को बचाने में लगी रही है। कोरोना का बेहतरीन मैनेजमेंट का ही परिणाम रहा कि प्रदेश में मृत्यु दर ना के बराबर रही, लोगों की अकाल मौतें नहीं होने दी हैं। दुनिया में जहां कोरोना का संकट छाया हुआ है, वहीं इसी बीच इसके वैक्सीनेशन को लेकर भी चर्चाएं तेज होने लगी हैं। ऐसे में राजस्थान कांग्रेस सरकार ने भी कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के लिए प्रतिरक्षण टीकाकरण के पहले चरण की तैयारियां युद्ध स्तर पर शुरू कर दी हैं। कांग्रेस सरकार ने कोरोना वैक्सीन को गांव-गांव और ढाणी-ढाणी तक पहुंचाने की तैयारी कर ली है। अब इंतजार है तो सिर्फ वैक्सीन के आने का। प्रथम चरण में कोविड 19 वैक्सीन प्रदेश के सरकारी और निजी चिकित्सा सेवा तथा महिला बाल विकास के विभाग के क्रमिकों को दी जाएगी, यानी उन्हें सबसे पहले कोविड 19 वैक्सीन लगाकर प्रतिरक्षित किया जाएगा। प्रदेश में 2444 कोल्ड चेन वैक्सीनेशन पॉइंट्स को चयनित कर लिया गया है। वैक्सीनेशन का संग्रहण जिला अस्पतालों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर किया जाएगा। जोधपुर, जयपुर और उदयपुर में 3 राज्य स्तरीय वैक्सीन सेंटर और 7 संभाग स्तरीय वैक्सीन सेंटर बनाए गए हैं। प्रदेश के सभी जिलों में जिला कलेक्टर के नेतृत्व में डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स फॉर इम्यूनाइजेशन टीमें बनाई गई हैं। वैक्सीन टीकाकरण के लाभार्थियों की गणना की जाएगी, उनका डाटाबेस सेव किया जाएगा। इस अभियान में यूनिसेफ, यूएनडीपी और विश्व स्वास्थ्य संगठन की टेक्निकल टीम भी सहयोग करेंगी। कांग्रेस सरकार का संकल्प, स्वस्थ राजस्थान।